राधे कृष्ण दोस्तों, गुरु के द्वारा जो गले में कंठी बंधी हुई होती है वो साधारण नहीं होती। प्रभु की प्रिया है श्री तुलसी जी। माला धारक मात्रों में विष्णु भक्ति वर्धित, पूजनीय यह प्रयत्नेन ब्रह्मना किन्वान मानुषः। अर्थात यद्यपि गुरुदेव से कंठी बंधवा ली, पर भक्ति मन में हृदय में नहीं आ रही, तो भी केवल गले में तुलसी कंठी धारण मात्र से वो वैष्णव हो गया और इतना वो पूजनीय हो गया कि ब्रह्मा जी भी उसकी पूजा करेंगे। फिर मनुष्य की क्या बात है, तथा वो निश्चित ही भगवत प्राप्ति को प्राप्त होता है। पुराणों में प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि जो कंठी धारण करता है वो भले नहाए धोए ना, लेकिन उस कंठी की प्रभाव से वो बिल्कुल पाप का अभागी नहीं बनता और ना ही उसे नरक मिलता है। इसमें संदेह ही नहीं कि कंठी धारक निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि वो मेरी प्रिया तुलसी को धारण किए हुए है, तथा तीनों वेद और तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश उसका निरंतर मंगल करने के लिए हर पल सावधान रहते हैं। ये स्पष्ट रूप से वेदों में वेद पुराणों में वर्णित है कि कंठी धारक की रक्षा हेतु तीनों देव सदैव तत्पर रहते हैं। तुलसी कंठी धारक को भूत प्रेत छू तक नहीं सकते। अब वेद पुराण में ये तक लिखा है कि यदि कोई जीवन भर पाप करता है और यदि वो मर गया तो उसके जलते चिता में तुलसी का अष्ट मिला दिया जाए तो वो नरक में प्रवेश तक नहीं करता। तुलसी अष्ट से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी तुलसी की महिमा है, तथा तुलसी कंठी धारण करने वाले पर श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं। इतना प्रेम उन्हें तुलसी से है, और प्रभु के दासत्व का सौभाग्य है माथे पे तिलक होना। हमारे प्रीतम है प्रभु श्री कृष्ण, और उनका ये प्रतीक है तिलक। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी के दासत्व की निशानी तिलक है। जानते हो मित्रों, तिलक के दोन समान रेखाएं क्या दर्शाती है? उसका अर्थ ये कि वो दो रेखाएं साक्षात प्रभु श्री कृष्ण के चरण होते हैं, और जिसके माथे पे प्रभु के चरण हो, क्या वो अधोगति को प्राप्त कर सकता है क्या? कई लोग कहते हैं कि ये सब करके दिखावा क्यों करे, क्या इससे प्रभु मिलते हैं? तो हाँ, स्पष्ट रूप से वेदों में लिखा है कि मात्र कंठी धारण करने से और तिलक लगाने से निश्चित निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए ये तिलक कंठी छाप माला ये सब भागवतिक स्वरूप है। जो इसकी निंदा करते हैं तथा इस पे वाद विवाद करते हैं, उनके भीतर प्रभु की भक्ति कभी नहीं विराजती। इष्ट परंपरा से तिलक लगता चला आ रहा है। तिलक लगाने से पता चलता है कि वो आखिर कौन से संप्रदाय का है, कि वो निम्बार्क संप्रदाय का है या गौड़ेश्वर संप्रदाय का है या पुष्टि मार्ग संप्रदाय का है। ऐसे ऐसे वैष्णव की तिलक से पहचान होती है, अर्थात उस अमुक आचार्य के अंतर्गत वो वैष्णव प्रभु के दासत्व को स्वीकार किए हुए है। ऐसा चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व है। जो दीक्षा के बाद तिलक न लगा के उपासना करता है तो वो उपासना निष्फल मानी गई है। इसलिए तिलक और कंठी दीक्षा के बाद अवश्य धारण करे। जो ये धारण करे तो किसी भी भूत प्रेत पिशाच की कोई ताकत नहीं कि वो उस पे हावी हो सके। किसी के भी मृत मंत्र वशीकरण काला जादू आदि का प्रभाव उनपे नहीं होता, पर कंठी पे और तिलक पे उस वैष्णव की निष्ठा होनी चाहिए। इतनी असीम महिमा तुलसी कंठी और तिलक की होती है, इसलिए इसे आवश्यक रूप से धारण करें, जिससे आपकी अधोगति तो होगी ही नहीं पर भक्ति से मन भी हट जाए तो भी भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। ऐसा हम नहीं, शास्त्र कहते हैं। सारे ये जो वेद है उनमें इसका स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। इसलिए तिलक कंठी धारण करके ही भक्ति करे, ये अधिक फलदायी होगा, खासकर दीक्षा धारण के बाद। शुभम भवतु, कल्याण मोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।